उससे टेन टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स थर्टी टाइम्स कंटेंट बेटर दे रही हूँ प्लेटफॉर्म उसे क्या हो रहा है ना कि हम टीचर के पास एक चैलेंज हो रहा है अब ये अन अकेडमी की ब्यूटी मानो कि हर स्टूडेंट एक साल का सब्सक्रिप्शन लेके तो आता ही है और वो पूरा एक साल आपके बैच में आता है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक बैच करके वो निकल जाएगा प्रैक्टिस बैच भी करता है तो हम टीचर के लिए एक चैलेंज होता है कि एकदम नया नया कंटेंट लाना और जो स्टूडेंट्स मेरे बैच में होंगे आप देखते होंगे कि कंटेंट नया नया मिलते रहता है और हमारी ड्यूटी और हम लोग ऐसे बन गए हैं ना ऑनलाइन आने की वजह से कि हमारी कोशिश भी रहती है ना कि स्टूडेंट्स को कम से कम मेहनत करना पड़े कंटेंट हम अच्छा दें बस आप क्लोज टेस्ट की बैच में ना आते रहोगे ठीक है आते रहो और मैं बोलती हूँ ना कि पहले आपको जीरो भी आए ना बस आते रहना छोड़ना नहीं ठीक है आज तो थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे ये सेमिनार हुआ है तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुला पाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका इंग्लिश में ना बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है और उसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगी पढ़ा तो मैं सबको सेम रही मेरी वजह से कुछ लोगों का स्मार्ट होते हैं क्रेडिट ले लेते हैं ये तो मेरा बच्चा है लेकिन वो 190 का जो 90 ला रहा है हम उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं भाई वो भी तो मेरा स्टूडेंट था ना तो अल्टीमेटली आप पे है जैसे अभी जीएस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरी डॉटर है ना उसका जीएस में वो भी एस का तो नहीं दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रही थी तो उसके जी में फिफ्टी में फोटी आया ठीक है फोर्टी टू आया और जब वो तैयारी करती थी तो मैं उसको अक्सर बोलती थी सर के नोट्स में उसको दिखाती थी और भी बहुत सारे लोगों के नोट्स दिखाते रहती थी ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो तो वो मुझे बोलती थी ना कि मम्मा आप नहीं, नहीं। क्योंकि जीएस में ऐसा होता है ना आपको लगता है कि चलो एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगा चलो ये पढ़ा था लेकिन जब आप एग्जाम्स में पेपर फेस करने जाते हो ना तो चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हो अरे ये भी तो पढ़ा है ऐसा होता होगा ये भी सुना सुना लग रहा है तो व्हाट आई फील खैर मैं जीएस के टीचर तो हूँ नहीं बट आई फील कि रिविजन बहुत जरूरी है रिविजन बहुत जरूरी है लेकिन हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या है कि उनको कंटेंट ज़्यादा चाहिए उनको ना अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरे पास इतना कंटेंट इकट्ठा हो गया बट देखो कि आप रिवाइज कितना कर रहे हैं वॉट एम आई राइट क्या बात है भाई क्या ऐसा बोल दिया सब चुप तो बार -बार तो तो हो करना है कई बार मुझे पूछते भी है कि मैम आप पिछले बारह साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हो आप बोर नहीं हो जाते हो भाई क्यों होंगी मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसको पढ़ाने की पास नहीं करोगे जब मैंने अन अकेडमी मैंने ज्वाइन किया अन अकेडमी ने मुझे 2018 में ऑफर किया था लेकिन मैं इतना जल्दी ऑफलाइन ऑनलाइन आना नहीं चाहती थी इंटरेस्टेड नहीं थी मुझे मुझे बहुत लग रहा था ना कि कैसे होगा क्या होगा और मैंने 2019 में 19 में मैंने फिर कर लिया एक्सेप्ट जो कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था वैसे मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत पहले ही एंट्री ले ली थी लेकिन जब मैंने मैंने खुद जब अन पर एंट्री लिया ना तो मैं भी खुद परेशान थी मतलब वहाँ पे आपको इतना सेवी होना है अपने से क्लास कनेक्ट करना है ये सब अन अकेडमी नो ऑफेंस, ओके अनअकेडमी वाले अगर हमारे यहाँ पे होंगे स्टाफ तो होता क्या था ना वो वहाँ से बोल देते थे मैम ओ बी एस मोड में जाना स्ट्रीम की लगाना ये लगाना अरे बोल वो तो वहाँ से बोल देते थे बट हमें तो कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन देसी टीचर थे तो फिर मैं उन लोगों को बोलती थी स्टॉप और उसके बाद मैं पूरा डायग्राम बना बना के बनाती थी कि पहले ओ में कैसे जाया जाता था कैसे कनेक्ट किया जाता है तो लाइफ में क्या करना है ना कि सीखना है आप लोगों को भी मैं वही बोलूंगी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मेरे एज में आने में थोड़ा सा आपको सीखने में दिक्कत हो जाएगी अन अकेडमी से वहाँ से मैसेज आता था मैम एक स्टाफ वहाँ से मैसेज आएगा फ्रॉम टुडे आई एम योर पीओसी ठीक है पीओसी अब मैं गूगल करती थी कि ये पीओसी क्या होता है तो मुझे पी के दिखता था

कर रहा हूँ अभी दूसरा आपका ग्रामर का वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैंने लास्ट वाला स्टेनो का एग्जाम दिया था

वैसे वो कैब एक ऐसा चीज है कभी कबल ऐसा हो जाता है ना कुछ हटके पूछ देते हैं तो वो जो टफ आ रहा है ना वो सबके लिए उसके लिए आपको टेंशन नहीं लें इतना वो कैब को आप लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों वो कैब को लेकर बस पढ़ के जाइए अपना वहां हंड्रेड परसेंट दीजिए ये जो लॉन्ग स्टडी है ना लॉन्ग ड्यूरेशन ये सिर्फ बोलने के लिए होता है इसको करना तो होता ही है लंबे ड्यूरेशन तक के लिए तो पढ़ना है और एस में कंसिस्टेंटली आप फोर टू फाइव आवर्स भी हर दिन पढ़ोगे ना काम हो जाएगा ऐसा नहीं है कि वो आई वाला है कि आपको बारह घंटे चौदह घंटे पढ़ने स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है ना कई बार बच्चे क्या होते हैं ना अनकेडमी पे आते हैं उनको इतना सारा बैचेस मिल जाता है और अनलिमिटेड वॉच की वजह से ना बार, बार बार बैचेस को देखते रहते हैं ठीक है बार बार उनको लगता है ना कि बार बार टीचर का बैच देखूंगा ना तो मेरा रिविजन हो रहा है उनको पता नहीं है कि उनका टाइम किल हो रहा है बैच को एक बार देखिए चाहे हमारा मोड ऑनलाइन आ गया है लेकिन एक ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ने का दैट इज नोट्स बना के yes, वो मेथड तो आपको फॉलो करना है yes, तो बस स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी अपने कोर्स खत्म कर लो या तो क्योंकि मेरे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे मुझे मिलते हैं ना मेरे सारे डार्क हॉर्स है मैं उनका नाम भी नहीं जानती अचानक मेरे पास उनका रिजल्ट आता है तो वो बोलते थे कि मैंने आपका रिकॉर्डेड बैच देखा वो स्मार्ट बच्चे है रिकॉर्डेड देख के फटाफट उन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया और जितना हो सके सामने प्रैक्टिस बैचेस में आओ कई बार टीचर ना प्रैक्टिस में जितना सिखा पाते हैं उतना थ्योरी पढ़ाने के दौरान नहीं सिखा पाते तो कोशिश करो कि जो भी प्रैक्टिस बैच हो चाहे मेरा हो या किसी यूट्यूब और टीचर का हो पे कंटेंट के पीछे मत जाओ प्रैक्टिस बैचेस के पीछे जाओ और आप खुद फील करो कि अल्टीमेटली सारा खेल प्रैक्टिस का हो या मैथ्स हो जीएस हो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं बढ़िया एकदम बढ़िया चलो आपने अपने सर की इतनी खूबसूरत जर्नी को सुना रानी मैम से भी आप इंटरेक्ट हुए मैं यहाँ आपके साथ सारा मोटिवेशन तो सर से आपको मिल चुका होगा उनकी लाइफ की इतनी संघर्ष भरी कहानी उनका यही कहना था हर बात पे कि आप पता है अपनी जिंदगी पे एक मकसद हमेशा रखो कि खर्च के बारे में सोचो कमाने के बारे में सोचो और यदि आप कमाने पे फोकस रहोगे निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे यहां पर मैं बात करने आया हूँ अन अकेडमी के बारे में कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या हमारी कैटेगरी में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरीके से कंटेंट और आपको बेस्ट क्वालिटी इंश्योर की जाती है और रही बात जो जीएस के प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जीएस को लेकर के जैसे बहुत सारे तरीके की भ्रांतियां हैं मार्केट में कि भाई जीएस से क्वेश्चंस नहीं आते ऐसा कुछ नहीं है नहीं मैं बात करूं हमारा प्लेटफॉर्म इंडिया का नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो कंटेंट है वो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है और टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको पढ़ा रहे होते हैं ताकि आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बनाया जाए यदि हम बात करें यहाँ पर हमारे जो प्लेटफॉर्म में आप अन अकेडमी प्लस की क्लास के साथ जब जुड़ते हैं तो वहां पर हमारे टॉप एजुकेटर जो हैं आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड जो कोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लास देते हैं आपको और लाइव क्लास आप अनलिमिटेड देख सकते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप यदि एक बार जुड़ते हैं तो आप कितनी भी क्लासे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और सारी क्लास जो है आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मॉडल जो है वो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं यदि मैं बात करूं हमारे कोर्स के साथ आप जुड़ते हैं तो हमारे कोर्स में बेस्ट कंटेंट इंश्योर करते हैं हमारे सभी टॉप एजुकेटर और सारे कोर्स जो है आज के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर के बनाए जाते हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म में आपने ऐप सभी लोग देखे होंगे आप सभी लोग ऐप से परिचित होंगे कि हमारे जो ऐप में है प्लानर बहुत अच्छा है और प्लानर होने का मतलब यही है कि आप पता है हमारे कोर्स को जब देख रहे हैं तो आप अपने टाइम को बेहतरीन ढंग से मैनेज कर सकते हैं यदि कोई क्लास आपने छोड़ दी है किसी कारण से तो आप क्लास को लाइव और रिकॉर्डेड देख सकते हैं साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल जो है बेस्ट स्टडी मटेरियल तो आपको आपके घरों तक पहुंचाए है। है? काम कर रहे हैं, और आपको करते हैं। आपने एक चीज नहीं देखी होगी अन अकेडमी के अलावा आप इंडिया के किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में इन चीजों को नहीं देखते होंगे हर क्लास के बाद डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं आप देखते होंगे आप सभी लोग करते हैं कि नहीं करते करते डेली प्रैक्टिस पेपर साथ ही साथ आपको क्विज दी जाती है ताकि आप पता है अपनी तैयारी को और अच्छा जांच सकें कि भाई आपने जो पढ़ाई की है मिक्स क्विज में किस तरीके से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और इसके अलावा भी आपको आप देखते हैं कि हर वीक में टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी तैयारी के लिए क्योंकि लगातार आपको यदि टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है और हमारा जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल आज का जो एग्जाम पैटर्न है

करिए और सबमिट करिए और सबमिट करके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप टू वे कम्युनिकेशन एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो कि किडमी आपको प्रोवाइड करता है और हमारा प्लेटफॉर्म अभी इस समय आपको टू वे कम्युनिकेशन देता है आप हैंड रेंज फीचर जहां पर आप देखते हैं कि आप क्लास के दौरान कई बार अपने सर हैं या आपके अदर जो भी टॉप एजुकेटर हैं उन सबकी क्लास में आपने देखा होगा ये सभी एजुकेटर क्लास में कि वो पता किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं आपने ये चीज जनरली पहले ऑफलाइन में देखी होगी कि आप क्लास के दौरान बैठे हुए हैं आपको कोई डाउट होता है तो आप हैंड रेज करते हैं कि सर मेरा डाउट है उसी प्रकार का सेम फीचर जो है अन आपको प्रोवाइड करता है और अन की खूबसूरती इस बात से कि आपके पीछे जो सर बैठे हुए हैं जो एक्स आर्मी पर्सन है वो भी अपने घर से अन के साथ जुड़ करके अपनी आगे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट नए इनिशिएटिव के साथ बेस्ट कंटेंट दिया जाता है साथ ही साथ जो भैया कह रहे थे जीएस को लेकर के उनको समस्या है तो देखिए जीएस के लेकर के ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन सिंपल आते हैं और टफ भी आते हैं ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम पुराने पैटर्न को छोड़ करके सिर्फ नए पैटर्न पे पढ़ाना शुरू कर दें कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर पे फोकस हो हमारा फोकस होगा कि हम उन चीजों को भी पढ़ें और जो ये नई चीजें उन चीजों को भी पढ़ें ठीक है तो हमारे लगातार ये एजुकेटर ये काम कर रहे हैं कि आपको कंटेंट इंश्योर करें आपको टेस्ट एनालिसिस भी हमारे टॉप एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ये सभी लोग आप जानते होंगे स्लाइड आप देख रहे होंगे सामने आपकी लगी हुई है सारी चीजें आपको बेस्ट दी जाती हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो हमारी जो कैटेगरी है उसमें आप सभी लोग जानते हैं एसएससी और रेलवे कैटेगरी अब दोनों एक कैटेगरी हो चुकी है और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जॉब है और और भी ज़्यादा एसएससी में जॉब बढ़ने वाली हैं और हमारे द्वारा जो है ये प्लान किया जा रहा है कि आगे जो है आप लोगों के लिए बेस्ट जो है हमारा जो कंटेंट है वो और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें आने वाले समय में आपको स्टडी मटेरियल दें और वो प्लान चल रहा है अभी पी फॉर्मेट मिल रहा है फिर आपको मटेरियल भी पहुंचाया जाएगा और डेली आपको बेस्ट प्रैक्टिस कराई जाए और सबसे बड़ी कमी जीएस की लेकर के स्टूडेंटों की है कि लोग जीएस पढ़ते हैं पढ़ने पढ़ने माथ से कुछ नहीं होगा हमें तो लर्न करना होता है और लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीजों को नोट डाउन करें प्रॉपर नोट्स बनाए रिवीजन करें

पड़ेगी पड़ेगी देखिए सफलता के लिए लिए जैसा कि कि आपको 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 वरुण सर ने भी भी बताया कोच जो है है मिल सकता खुद से कुछ मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम भी आपके बराबर करते हैं हैं आप मेरी क्लासें लगातार देखते जीएस को लेकर तो मुश्किल है चाहे एसएससी हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो ठीक है सभी के लिए चुनौती जीएस है जीएस जीएस को स्ट्रांग कैसे करें और खास करके एस एस सी स्टूडेंट जीएस को थोड़ा सा सीरियस कम लेते हैं तो मैं यही कहूंगा कि चीजों का नोट्स बनाएं रिविजन करें और रिविजन करके उनको बार बार दोहराए और आप पता है सिर्फ एक एग्जाम पे टारगेट ना करें कि एसएससी ही दे रहे हैं आप पता है रेलवे परीक्षाओं का सब्सन भी आप साथ में प्राप्त कर सकते हैं अकेडमी में एसएससी रेलवे कॉमन हो चुका है रेलवे की परीक्षाएं दें अपने स्टेट के पीएससी एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं स्टेट के ट्रिपल एससी एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं इन सभी एग्जामों को आप दें और हमारे साथ जुड़े आप परेशान बिल्कुल ना हो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा अपनी तैयारी को बेहद आसान और मजबूत बना सकते हैं उनका क्या होता है कि कुछ ना कुछ करंट अफेयर उनका अच्छा हो जाता है तो उनको फायदा ज्यादा हो जाता है ऐसा जब पेपर पैटर्न होता है और जब ऐसा पेपर पैटर्न नहीं होता नॉर्मल पेपर पैटर्न होता है सबके लिए बराबरी होती है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कुछ मामले हमें मजबूत करके चलने चाहिए जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी के सब्जेक्ट जो है ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जैसे भैया कह रहे थे कि सर बेसिक पढ़ने की अब जरूरत नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे जरूर बेसिक या आएंगे? किसी पेपर में नहीं आएंगे जीएस है भाई अपने आप में महासागर है ठीक है और किसी पेपर में नहीं आएंगे तो ये नहीं तय कर सकते कि अगली बार हिस्ट्री नहीं आएगा आप यूपीएससी का पैटर्न देखिए या एसएससी का पैटर्न देखिए कई बार हिस्ट्री के सवाल ज्यादा आते हैं कई बार हिस्ट्री के सवाल एक भी नहीं आते हैं लेकिन पढ़ना और छोड़ करके तो हम जा नहीं सकते हैं भाई हमारी पूरी जिंदगी की बात है वहां पर

पूछ लिया जाता है ये पैटर्न आजकल फॉलो किया जा रहा है जनरली आप एग्जाम देखिएगा सभी एग्जामों में इसी पैटर्न को लगभग फॉलो किया जाता है जो करंट का सिनेरियो चल रहा है उसका स्टैटिक पार्ट उठा करके आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो हम लोग लगातार जो है करंट विद स्टैटिक पढ़ाते हैं आपको तो आप पता है एग्जाम के पहले करंट विद स्टैटिक को भी पढ़े और स्टैटिक जी के आपने पढ़ रही रखा है जैसे मैं करंट अफेयर आप सभी को पढ़ाता हूँ तो वहां पर आपने देखा होगा या आप अन अकेडमिक प्लस स्टूडेंट नहीं होंगे तो नहीं देख पाए होंगे जो भी मेरे स्टूडेंट है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उनको मैं पढ़ाता हूँ कि करंट के साथ स्टैटिक जी पढ़ाता हूँ ताकि उनको वो जो स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए भले मैंने इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में बताया लेकिन मैं करंट भी न्यूज में है तो उस मुद्दे को भी बताऊंगा तो हमें कुछ इस तरीके से पढ़ाई करनी होगी आज के ट्रेंड को देखते हुए जो एग्जाम का पैटर्न है बाकी आने वाले समय में आपको और भी अच्छा कंटेंट इंश्योर किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं यहाँ पर तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और बेस्ट कंटेंट इंश्योर करेंगे हम सभी और अभिनय सर आप देखते हैं कि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है कितना लंबा सर का एक्सपीरियंस रहा है तो आप लोग जानते हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा आपने सुन ली उनसे ठीक है तो ऐसा नहीं करना है पहले एक बार आप सिलेबस पढ़ लें जैसे आप मैथ के मॉक देना चाहते हैं तो मैथ को पहले एक बार पढ़ लें फिर मॉक दें फिर उसके बाद सवाल नहीं हो तब उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चैप्टर से क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाते हैं कुछ क्वेश्चन तो आपसे बनने लगेंगे कुछ क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे तो उन चैप्टर को आप फोकस करें तो मॉक का तरीका ये होना चाहिए जैसे जनरली मैंने देखा है मॉक कहाँ से करें तैयारी अभी एडमिशन हुआ ही नहीं पढ़ना शुरू ही नहीं किया कि बस मॉक कहां से करें तो मॉक तो एक तैयारी की बात करने की प्रक्रिया है ना कि पहले करने की प्रक्रिया है तो इन चीजों को थोड़ा सुधार करें बाकी आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं ठीक है आप सभी को पता है ये ऑफलाइन के सभी टीचर हैं अन में आप सबको मिल रहे हैं और वो भी एक ही सब्सन में आप बताइए हमारी कैटेगरी में एस के कम से कम बीस से पच्चीस एजुकेटर पढ़ा रहे हैं इस समय टॉप एजुकेटर जो ऑफलाइन के टॉप एजुकेटर हैं ऑनलाइन के तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं सेवेंटी प्लस एजुकेटर हैं तो वो सभी आपको बेस्ट कंटेन्यूश्योर करते हैं आखिरकार आपको कई बार लगता होगा कि सर ही क्यों इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप देखिए में बहुत ज्यादा जो प्रोवाइड की जाती विल डिसिप्लिन होती है आप देखिएगा ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पर इतना डिसिप्लिन तरीके से कंटेंट इंश्योर किया जाता हो जनरली क्या है समस्याएं और भी होती हैं टेक्नोक्रेट यहां पर आपको देखिएगा अन अकेडमी में ज्यादातर टेक्नोलॉजी का आपको बेहतर सहारा प्रोवाइड किया जाता है और भी सारी चीजें जो है जो अन अकेडमी में प्रोवाइड की जाती हैं। अदर प्लेटफॉर्म यदि आप जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यदि मैं बात करूँ जैसे अभी आप देखते हैं यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म वहां पर क्लास कभी सिक्वेंस में नहीं प्रोवाइड की जाती है जो मजेदार टॉपिक होता है टीचर वही पढ़ाने की कोशिश करता है बोरिंग टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ाता है जबकि बोरिंग टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर, जैसे अठारह उन्नीस में 2018, में यूज करना स्टार्ट कर दिया था अच्छा उस समय रेलवे की तैयारी कर रहा था हाँ हाँ मैं धनंजय सर जी को भी फॉलो करता था मैंने अभिनय सर को भी फॉलो किया हुआ अच्छा अच्छा वरुण अवस्थी सर जी की मैं यूट्यूब पे भी क्लास देखा हाँ हाँ तो मतलब थोड़ा सा यूट्यूब एक चीज बहुत अच्छी है अन में जैसे की जी। उसमें नीचे वो ऑप्शन डाल हाँ, उस हाँ। अच्छा, देते हैं तो वो बड़ा है। उसमें, सभी लोग करते उसमें, बहुत ही अच्छा फीचर है हमारा आप उसके साथ भी एक मतलब एक इंटरेस्ट बना रहता है बच्चों का और कई बार जो बच्चे मेरी क्लास में नाइन पीएम पर डेली मैं मॉक कराता हूँ तो आते हैं तो उन लोगों को लगता है कि सवाल नहीं हो रहे हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ भाई बने रहो डटे रहो तभी जीतोगे ठीक है डरना नहीं है डटे रहना है डटे रहने वाला ही विजेता बनता है और पॉजिटिव रहना है मेहनत कर तू डरता क्यों है संघर्ष करने से बचता क्यों है जान लगा दे या जाने दे बीच भवर में फंसता क्यों है तो आप सभी को बेहतरीन ढंग से मेहनत करनी है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत बेकार जाएगी निश्चित तौर पे आप सभी को सफलता मिलेगी और हमारा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए बेस्ट कंटेंट इंस्योर कर रहा है जो आज का एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है यदि आप रेगुलर क्लास में रहते हैं और रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो कहीं से भी आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे स्टूडेंट भले मैं एस और रेलवे कैटेगरी में इस समय आपको जीएस पढ़ाता हूं लेकिन देखिए ना मेरे कितने स्टूडेंट यहीं पर बैठे होंगे जो ऑलरेडी हर महीने कोई ना कोई सिलेक्शन ले रहे हैं जरूरी थोड़े ना कि एसएससी दे रहे हैं क्योंकि जीएस का रोल तो अदर एग्जाम में भी उतना ही ज्यादा है जितना यहाँ पर है ढेर सारे स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं लगातार पढ़ रहे हैं इवन की अभी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम देखिए जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं या क्लास नोट्स आप उन बच्चों से मांग सकते हैं वहां पर नाइन्टी प्लस क्वेश्चन सीधे सीधे रखे मिले हैं तो इस तरीके से आरपीएससी का कुछ मेंस दे रहे हैं कुछ एमपी का भी क्वालिफाई किया तो मतलब एक पॉजिटिविटी बनी रहती है दूसरी बात एक अक्सर आप बात सुनते हैं मोटिवेशन की देखो छोटे भाइयों मोटिवेशन अपने काम से आता है किसी के डायलॉग से मोटिवेशन नहीं आता है वो दस मिनट का मोटिवेशन होता है यदि आप यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देख लिए तो आपको लगेगा बस आज तो हम ये कर देंगे ठीक है सच्ची बात तो यह है कि मोटिवेशन जब आप काम को करते हैं तब आता है यदि आप अपनी पढ़ाई को अभी आप बैठ करके दो घंटे यहां से याकर करके पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं कुछ भी कर लूंगा और जिस दिन आप तीन दिन पढ़ाई ना करो तो आप में लो फीलिंग अपने आप आने लगती है कि लग रहा कुछ नहीं हो पाएगा ये सच्चाई आप सभी लोग देखिएगा कभी भी अप्लाई करके यदि आप टू आवर्स की पढ़ाई कर लें या ले घंटे बैठकर पढ़ाई कर लें तो आप में मोटिवेशन खुद से आ जाता है तो आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है या मोटिवेट रखने के लिए कोई और आवश्यकता नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं उसी काम को करिए और सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है इस समय और सेल्फ मोटिवेशन जो आप काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए बार बार चीज़ों को जिसको आपने प्रीवियस पढ़ा है उसको रिविज़न करिए ऐसे आपने क्लास नोट्स बनाकर रख लिए अब जैसे आपका कॉन्फिडेंस लूज, लूज हो रहा है कि यार क्या करेंगे ज़िंदगी में क्या हो रहा है फैमिली वाले क्या बड़ा दबाव है रिलेटिव का दबाव है ठीक है वो दूर वाले भैया भी आकर पूछ रहे हैं कब तक चलेगी तुम्हारी तैयारी तो उन सब दबाव से लड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना जो तुम्हारी डोज है जो तुम्हारी दवा है उस किताब को खोलिए अपना जो भी आपने चीजें नोट डाउन की हुई थी या पहले पढ़ी हुई थी नोट्स खोलिए और उनको एक नजर में देख लीजिए अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा सामने वाली की कोई भी निगेटिविटी आपके सामने नहीं होगी तो खुद को इस समय सेल्फ मोटिवेट रखिए और पॉजिटिव रहिए सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ठीक है लगातार मेहनत करना पड़ता है एक संघर्ष का दौर होता है सबके जीवन में होता है किसी के कम होता है किसी के ज्यादा होता है कोई बहुत जल्दी चीजों को अचीव कर लेता है किसी को ज्यादा वक्त लगता है ठीक है तो मैं यहाँ पर एवरेज बात करूं कि आप सबको पढ़ाई करनी पड़ेगी और बिना पढ़े स्वर्ग नहीं मिला है चाहे आज पढ़ लो चाहे दो साल बाद पढ़ना पढ़ना पड़ेगा चाहे आज पढ़ना शुरू करोगे तो आज जल्दी सफलता मिल जाएगी या तुम तो एक साल बाद पढ़ना शुरू करोगे तो दो चार साल बाद सफलता मिलेगी तो आप पढ़ाई करिए बाकी कोई समस्या नहीं होगी आपको बेस्ट कंटेंट हमारी टीम प्रोवाइड करेगी और जीएस के लिए मैथ के लिए इंग्लिश के लिए रीजनिंग के लिए सभी टॉप एजुकेटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो मैं यही इतना ही बोलूंगा और अपनी इसी संग के साथ अपनी क्लासों में तो अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच